जय हिंद दोस्तों, हाउस द जोश। आज थोड़ा मेरा जोश ठंडा है क्योंकि यहाँ पर बोर हो रहे हैं, कुछ करने को है नहीं। तो मेरी तरह अगर आप यहाँ पर बोर हो रहे हैं पर्ड्यू में या वेस्ट लाफेट में, तो आप एक चीज़ है जो बहुत आसानी से कर सकते हैं, जो कि यहाँ के सिनेमा हॉल में जाना। तो आज आपको ले चलते हैं यहाँ के थिएटर में, जहाँ मैंने बाहुबली 2 या अनगिनत इंडियन मूवीज़ देख रखी है। रॉकेटरी दी नंबी इफेक्ट का मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे आए, लेकिन तब तक के लिए एक और मूवी से ही जो एरोस्पेस से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं इस समय मैंने ये जैकेट जो एयरफोर्स का वो धारण कर रखा है, उसके अलावा ये एविएटर ग्लासेस। इस मूवी का लेना देना इन चीज़ों से भी कुछ है, तो आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। और अकेले जाने में तो बोर होएंगे, तो मैं अपने संग एक और देसी रॉकेट साइंटिस्ट को ला रहा हूँ आज, उनसे भी आपकी मुलाकात अपडेट कराता हूँ। मैं जा रहा हूँ अभी बियो जॉर्डन की गलियों में, उसके बारे में भी कभी आपको अलग से दिखाऊंगा। यहाँ पे भी कई सारे अपने देसी लोग, अपने इंडिया के लोग रहते हैं, और भी कई लोग हैं जो इंटरनेशनली, वो सब वही रहते हैं। और मेरे दोस्त को उठाते हैं, उसके बाद मूवी चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं आपको कि क्या क्या फैसिलिटी है यहाँ पर, जो आप इजीली अवेल कर सकते हैं और अपना जो टाइम पास है वो एक तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलते हैं। तो फाइनली मेरे साथ आ गए हैं मेरे दोस्त, एक और देसी रॉकेट साइंटिस्ट, जो कि देखने वाले हैं एक रॉकेट साइंस तो नहीं लेकिन उससे ही रिलेटेड एरोस्पेस पे है बनी मूवी। और यहाँ पर है विनय दक्षिणी, और ये आते हैं कर्नाटक के कोंकणी क्षेत्र से, नहीं कर्नाटक मैंगलोर एरिया से आते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा, मतलब यहाँ मचाए हुए हैं, मचा हुआ आदमी। और ये अभी हम देखते हैं कि हम टाइम पर पहुँच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी 18 मिनट बाकी है और यहाँ से कम 15 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने को। शहनशाह रॉकेट आलम ले जाएंगे। तो अब रॉकेट स्पीड से जाना पड़ेगा। अभी देखते हैं कि हम ट्रेलर तो मिस करेंगे या नहीं, क्योंकि 12:30 से मूवी स्टार्ट है। तो चलते हैं, जरूर पहुँचेंगे, जरूर पहुँचेंगे अगर भगवान ने चाहा तो, और या मेरी गाड़ी ने चाहा तो। जल्द मिलते हैं, इनको बहुत जल्दी है। और हम पहुंच चुके हैं GTQ बेस्ट लैंडिंग लाइन, यो हमारे रॉकेट साइंटिस्ट के साथ। ये भी है ना रॉकेट साइंटिस्ट, देसी रॉकेट साइंटिस्ट ये भी है, और ये भी मार्स पे जो है landing, हम लोग क्या तो लैंडिंग कराते हैं, नहीं हुआ तो क्रैश करा देते हैं। तो ये पीछे है, आप देख सकते हैं वॉबेस्ट लैंडिंग 9, इनके थोड़े से आपको और व्यूज दिखाएंगे, लेकिन अभी के लिए जो है हम दोनों निकलते हैं पतली गली से। तो आप देख सकते हैं ऊपर एक प्लेन भी उड़ रहा है, उसकी भी आवाज़ आ रही है, उसमें कैप्चर हो रहे हैं। तो हम चलते हैं, टिकट लेते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर क्या समारोह हो रहा है, और देखते हैं ये मूवी जिसका नाम है, बताएंगे आपको अंदर से। ये है वॉबेस्ट लैंडिंग 9, और ये हमारे लंबे कद के 6'4" विनय कैनी, राइट आर्म ओवर द विकेट। और देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी जो मूवीज हैं वो लगी हुई है। चलते हैं, देखते हैं क्या माहौल सेट हो रहा है। तो आज हम देखने वाले मूवी जिसका नाम है टॉप गन मैवरिक। इज फ्रंट ऑफ द बैक। ओके, सो मे बी K7 K8 एंड कंसेशंस नॉट एट द मोमेंट। ओके, थैंक यू। वेरी ब्यूटिफुल सिनेमा हॉल हियर, बहुत सुंदर बना रखा है, और अच्छी मूवीज़ भी लगती हैं यहाँ पर, बाहुबली वगैरह सब यहीं पे देखा है हमने। एंट्री लाइन रहती है, अभी सिर्फ हम ही लोग हैं, तो यहाँ भी ज़्यादा लोग हैं नहीं, सिर्फ हम ही दो हैं लगता है मूवी देखने आए हैं। हम ही बोनी किए हैं यहाँ पर आज संडे को, निकल पड़े हैं दो रॉकेट साइंटिस्ट, ड्रिंक्स ले लिया है, अब हम चले और देखते हैं मज़ा आएगा। वो यार जल्दी चलो, ट्रेलर चालू हो गए हैं। स्वागत है आपका।
कैसा लग रहा है विनय भाई? मजे आ रहे हैं? बोर हो रहे थे घर पे या इंडिया इंडिया इंग्लैंड देख रहे थे? इंडिया इंग्लैंड देख रहे थे, पर इतना मजा नहीं आएगा जितना इसमें आएगा। वो तेरी भूत की मूवी। ये भी देखना पड़ेगा मेरे को, भूत की मूवी देखने में मजा आता है। ये टिकराज वाले रिंग वाले सबने मिलकर बना दिया। There's real F-18s, real G's, real speed. So we're so happy you're here in this theater and seeing it on the big screen. So please enjoy, as we all made it for you. और मॉल साहब बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मूवी से? अरे यार, हम लोग वैसे भी एरोस्पेस से हैं और इस पे ही काम करते हैं। ये सब जितना फ्लाइट है आप देख सकते हैं, एविएटर क्लासेस है, तो बड़े जोश और उत्साह में आए हैं। और इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे डॉग फाइट है, स्क्रैमजेट इंजन से जिसकी पढ़ाई करते हैं हम लोग, और उसके अलावा ट्रेजेक्ट्री ऑप्टिमाइजेशन, मिनिमम टाइम ऑफ फ्लाइट, ऐसी मतलब कई सारी चीज़ें मैंने सुनी है इस मूवी में आने वाली है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड और होप तो कर रहा हूँ कि ये मूवी धमाकेदार जैसा बोल रहे हैं वैसे निकले। और हम लोग क्योंकि प्लेन उड़ाते भी हैं, प्लेन के बारे में पढ़ते भी हैं एरोस्पेस से भी, तो इसलिए ऐसा लगता है कि ये मूवी बहुत धमाकेदार रहेगी हम जैसे लोगों के लिए। तो मुझे तो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है। विनय भाई भी है साथ में, ये थोड़ा अवॉर्ड वगैरह पे काम करते हैं, तो इसमें अवॉर्ड वाले सीन्स भी मैंने सुने हैं, तो वो देख के हम दोनों को ही मज़ा आने वाला है। तो देखते हैं कैसी रहती है मूवी, आपको बताते हैं थोड़ी देर। देखिए सीट्स, इतनी बढ़िया बढ़िया सीट्स हैं, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट की मूवी। और हम चले अब घर की ओर। पार्टी रूम भी है और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, पानी वानी पीने के लिए बढ़िया। यार बहुत धमाकेदार मूवी थी, मज़ा आ गया देख के। और बाहर आके आपको बताते हैं कैसा लगा, लेकिन ओवरऑल बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था इस सिनेमा हॉल में। और आपको अगर जैसे ये टॉप गन थी, ये तो बहुत बढ़िया मूवी है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट मूवी भी आए यहाँ पे और देखने मिले हमें, तो बड़े उत्साह के साथ हम यहाँ मूवीज़ देखते हैं। जैसा मैंने कहा बाहुबली 2 वगैरह सब यहीं पर देखी है। तो ये जगह ऐसी है ना जहाँ पे आप अगर बोर हो रहे हैं, कुछ करने को नहीं है, अपने दोस्त के संग आ जाइए और देख लीजिए, कोई ना कोई मूवी लगी रहती है अच्छी वाली। तो आपको और बताते हैं इस मूवी के बारे में, लेकिन एज सच वेरी गुड सिनेमा हॉल टू बी एट, एंड आपको ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ अगर आप देखिए। एंड वैसे भी अगर आप यहाँ पढ़ने आए तो आपका यहाँ आना हो ही जाएगा। तो ये जो मूवी है ये एज एक्सपेक्टेड बहुत ही धमाकेदार मूवी निकली है। और इसमें जैसा मैंने बताया था कि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि 10 G's आ रहे हैं लग रहे हैं बॉडी पे, मार्क स्पीड 10 हो गई है जो कि हाइपरसोनिक्स है, जो कि मैं पढ़ते आया हूँ मास्टर्स और PhD में। उसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं, जैसे जो डॉग फाइट्स है, जो मैन्यूवर्स है, और यू नो जो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, प्लस इसमें कई सारे जो फनी सीन्स है वो भी बढ़िया लगे। ये जो है ये तो लगते ही नहीं कि ये कभी बूढ़े होने वाले हैं, अभी भी एकदम जवान लग रहे हैं इसमें और इतने बढ़िया दिख रहे हैं। साथ साथ इन्होंने इतनी सारी चीज़ें की हैं ना, मतलब जो चीज़ है मैं एक्चुअली फील कर सकता हूँ, लाइक कई सारी चीज़ें जो इन्होंने एक्चुअल में करके दिखाई है, ऐसा लग रहा है कि सही में हो रहा है वो, तो काफ़ी रियलिस्टिक सी लगी मेरे को। एंड क्योंकि मैं प्लेन्स वगैरह भी उड़ाता हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया कि किस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, मस्ती कभी कई बार हो जाती है, आप स्पिन में आ जाते हैं, फिर आप अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, कैसे इजेक्शन होता है वो प्रोसेस, ऐसे कई सारी चीज़ें जो है ना वो आपने बहुत पहले देखी होगी। जो टॉप गन इसमें वापस से उसको जीवित किया गया है, और इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको अगेन जीवित करने की कोशिश की गई है, जैसे जो है उनके जो बेटे हैं वही एकदम सेम से दिखने लगे हैं इसमें, तो वो भी उनका दिखाया कि उनके और इनके बीच में थोड़ी सी तनातनी रहती है, नोकझोंक रहती है, बाद में फिर मामला सुलट सा जाता है जैसे कि हर एक पारिवारिक मूवी में होता है, तो उस टाइप का इसमें दिखाया है। साथ ही इसमें कुछ मिशन वगैरह दिखाया है और कई ऐसी चीज़ें जो थोड़ी अनहोनी सी, ऐसी जो आप सोचेंगे नहीं वैसा उस टाइप की चीज़ें दिखाई है, F-18 एंड F-14 में, वो दो दो इन्होंने तो बहुत बढ़िया से दिखाया है। और उनका जो भी चीज़ें रहती हैं अंदर की, तो काफ़ी कुछ दिखाया है, फॉर्मेशन फ्लाइंग दिखाया है, कई सारे फनी सीन्स हैं उससे रिलेटेड, तो वो सब देख के इतना मज़ा आया ना, मतलब एक बार को लगा यार ये इंजीनियरिंग छोड़ के इसी में जाते हैं, टेस्ट पायलट बनते हैं,
और मस्त उड़ाते हैं। और यहाँ तो हम क्योंकि पढ़े हुए हैं तो यहाँ पे भी वो ग्लास कॉकपिट वाली प्लेन रहती है देखने को, थोड़ी महंगी रहती है पर और चार्ज उसके बहुत ज़्यादा है। और हम लोग तो जो चिल्लर प्लेन है वो उड़ाते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें करते हैं ना जो टेस्ट पायलट टाइप वाली वो यहाँ पे मैं देखता हूँ कई बार कि लोग कर रहे हैं। यहाँ पे आसपास भी है थोड़ी मिलिट्री जोन है तो वो चीज़ें जो है ना यहाँ आसपास भी हम देखते हैं और ये फिल्म में भी देखने को मिली है। तो काफ़ी अंदर से एक थोड़ा पायलट वाला जज्बा है ना वो और जाग गया। तो मैं आपको काफ़ी मतलब हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये मूवी आप जाके देखें अगर देखने को मिले, वो भी सिनेमा हॉल में देखें, OTT पे मत देखें क्योंकि वो मज़ा आपसे छिन जाएगा। इस मूवी में जब भी मैंने टॉम क्रूज यानी अपने मेवरिक को देखा तो मुझे एक और मेवरिक की याद आई जो कि हमेशा ऐसे करते हैं जो कि है पुष्पा पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं। जिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है उन सभी को एक रॉकेट सैल्यूट, और जिन्होंने नहीं कर रखा आराम से कर लेना, कौन सी आपकी प्लेन छूट रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और धमाकेदार टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद। India's Balakot hero, Wing Commander, who is now Group Captain Abhinandan Vartaman, was accorded the Veer Chakra by President Ramnath Kovind in an investiture ceremony today in the national capital. Abhinandan Vartaman received the honour for shooting down a Pakistani F-16 fighter aircraft during aerial combat on February 27, 2019.